नमस्कार दोस्तों। तो Amazon ग्रेट इंडियन सेल कल से ऑफिशियली शुरू होगा, लेकिन उससे पहले उस सेल में कौन कौन सा ऑफर मिलेगा उसका रिवीलेशन हो चुका है, और अगर आप चाहते तो वो जो स्मार्टफोन अभी ले सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसे टोटल 15 ऑफर के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। फॉर एग्जाम्पल रेडमी K50i, आईकॉन नियो 7, नॉर्ड गैलेक्सी, सभी फोन के ऊपर जो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, स्मार्टफोन ऑफर बताने से पहले मैं बोल देता हूँ इस बार आपको कौन कौन से बैंक के ऊपर ऑफर मिलेगा। तो अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो आपको आपके परचेस वैल्यू के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो जो 10% डिस्काउंट 1000 से 1250 रुपए से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। और सेम ऑफर आपको मिलेगा ICICI बैंक के ऊपर, मतलब अगर आपके पास SBI या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको 10% मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन इधर एक्चुअली एक और ऑफर भी है, अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको 4000 रुपए तक का भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप कोई फोन लेना चाहते तो जो ऑफर सेक्शन उसे अच्छे से देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि क्या आपको उसमें HDFC बैंक की तरफ से बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का ऑफर लिस्ट। तो जो पहला स्मार्टफोन उसका नाम है रेडमी K50i। वैसे नॉर्मल टाइम में ये जो स्मार्टफोन अवेलेबल है 21000 रुपए से, लेकिन अगर आप आज के दिन में ये जो स्मार्टफोन लेंगे तो अमेजोन पे अभी अवेलेबल है 19500 रुपए पे इंक्लूडिंग सभी के सभी बैंक ऑफर। और रेडमी K50i आपको तो मालूम ही है कितना बढ़िया स्मार्टफोन है। 144 रिफ्रेश रेट, डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 67 वाट का चार्जर, LPDDR5 रैम, UPS 3.1 का स्टोरेज, मतलब सभी स्पेसिफिकेशन के साथ 20000 रुपए अंदर का सबसे बेस्ट ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन है रेडमी K50i। वैसे इस फोन का एक ही प्रॉब्लम है, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इसके बाद का जो ऑफर आईकॉन नियो 7, ये जो स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ था 30000 पे, लेकिन कुछ दिन से ये जो स्मार्टफोन अवेलेबल था 29000 पे, लेकिन अभी करेंटली इस फोन के ऊपर आपको 3000 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, जिसके वजह से आईकॉन नियो 7 आपको मिल जाएगा 26000 पे। और प्रोबेबली इस स्मार्टफोन के ऊपर आपको HDFC बैंक की तरफ से, मतलब HDFC डेबिट कार्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इसीलिए ऑफर सेक्शन अच्छे से देखना। वैसे अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन भूल गए तो मैं आपको बोल देता हूं, इसमें आपको मिलेगा 120 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा, 120 वाट का चार्जर, LPDDR5 रैम और UPS 3.1 का स्टोरेज। इसके बाद का जो स्मार्टफोन उसका नाम है गैलेक्सी M13 5G। जिन लोगों को सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन लेना है, वो भी ब्रांडेड कंपनी की तरफ से लेना है, उन लोगों के लिए ये जो ऑप्शन सबसे बढ़िया होगा। इस फोन का नॉर्मल टाइम में प्राइस है 13500 रुपए के आसपास, लेकिन अभी करेंटली ये फोन आपको मिलेगा 10700 रुपए पे, जो कि मेरे ख्याल से ब्रांडेड कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन है। इसके बाद गैलेक्सी A14 5G रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका लॉन्च प्राइस है एग्जैक्टली 16000 अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन अभी करेंटली ये फोन आपको मिल जाएगा 13500 रुपए पे। और इसमें आपको क्या मिलेगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले, सभी के सभी 5G बैंड, एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर, मतलब वही 13-14000 रुपए के आसपास इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी या फिर परफॉर्मेंस वाला 5G स्मार्टफोन अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है। इसके बाद का फोन वो भी है सैमसंग की तरफ से, उसका नाम है गैलेक्सी M33 5G, जिसका नॉर्मल टाइम प्राइस है वही 17-18000 के आसपास, लेकिन अभी करेंटली आपको मिलेगा 16000 पे, जो कि 1.5 साल पुराना तो हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है। इसके बाद का जो ऑप्शन उसका नाम है लाभा ब्लेस 5G, नॉर्मल टाइम प्राइस है 11000 रुपए, अभी फोन आपको मिल जाएगा एक्जैक्टली 9500 रुपए पे, तो मतलब थियोरिटिकली आपको मिल जाएगा 10000 रुपए के नीचे एक अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन। इसमें आपको मिलेगा HD प्लस डिस्प्ले, डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, LPDDR4X, UPS 2.1 का कॉम्बिनेशन, प्रोबेबली 6 120GB वेरिएंट पे आपको मिलेगा, और इसके जो पीछे का जो कवर वो आपको मिलेगा टोटली ग्लास बॉडी। तो इसलिए अगर आपको 10000 रुपए के अंदर का मार्केट का वन एंड ओनली चॉइस लेना है तो आप लोगों के लिए लाभा ब्लेस 5G एक बढ़िया चॉइस होगा। इसके बाद का जो स्मार्टफोन वो है टिक्नो स्पार्क 90, इसका नॉर्मल टाइम प्राइस है 8000 के आसपास, लेकिन करेंटली ये फोन आपको मिल जाएगा 6700 रुपए पे। और इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि ये एक्चुअली 7000 रुपए के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा 5000mAh बैटरी, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 50 megapixel कैमरा, इतना बढ़िया स्पेसिफिकेशन। इसके बाद का जो ऑफर उसका नाम है रेडमी 11 प्राइम, जो कि हीलियो G99 प्रोसेसर के साथ अभी करेंटली सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन का नॉर्मल टाइम प्राइस है 10500 रुपए, लेकिन अभी ये फोन आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 10000 रुपए से, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड गेमिंग ऑप्शन है।
उसके बाद का जो स्मार्टफोन उसका नाम है गैलेक्सी M34 5G जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसका लॉन्च प्राइस है 19,000, लेकिन मैंने ये चीज सुना है कुछ दिन बाद ये स्मार्टफोन का प्राइस हो जाएगा 20,000 रुपए, लेकिन अभी करेंटली ये फोन आपको मिल जाएगा 17,000 पे। और मैंने ऐसा भी कई बार सुना था कि अगर आप इस फोन को अभी करेंटली प्री ऑर्डर करेंगे तो इसके साथ जो चार्जर वो आपको फ्री में मिलेगा। और अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ तो ब्रांडेड कंपनी की तरफ से गैलेक्सी M34 5G अभी करेंटली सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है 20,000 के नीचे, क्योंकि 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले वो भी सैमसंग की तरफ से, प्रोसेसर में आपको मिलेगा एक्सिनोस 1280 जो कि प्राइस पॉइंट की सबसे बहुत ही बढ़िया है, 50 megapixel OIS वाला कैमरा, 6000mAh बैटरी, उसके साथ 25W का चार्जिंग सिस्टम जो कि अलग से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रांडेड कंपनी की तरफ से और वही 17-18,000 के आसपास अगर आपको सबसे बेस्ट ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन लेना है तो गैलेक्सी M34 5G आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस होगा। और इसके बाद जो लास्ट हॉपर वो है नॉर्ड की तरफ से, इसका नाम है नॉर्ड C2 लाइट। आपको तो मालूम है ये जो स्मार्टफोन है एक्चुअली रियलमी 10 प्रो उसका ऑल्टरनेट वाला वर्षन है। तो इस स्मार्टफोन का नॉर्मल टाइम प्राइस है 19,000, लेकिन अभी करेंटली ऑफर मिला कि ये फोन आपको मिल जाएगा 16,250 रुपए पे, जो कि अगर आपको नॉर्ड की तरफ से मतलब OnePlus की तरफ से सबसे चीपेस्ट और अच्छा खासा ऑलराउंड स्मार्टफोन लेना है तो ये जो स्मार्टफोन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया चॉइस होगा। तो Amazon प्राइम डे सेल पे जितने सारे ऑफर है उसमें से ये 10 ऑफर मुझे सबसे बढ़िया लगा। वैसे देखिए इसके बाहर भी और भी बहुत सारे फोन के ऊपर आपको ऑफर मिलेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये जो 10 ऑफर सबसे बढ़िया लगा। और अगर मैं फाइनली कुछ स्मार्टफोन को आप लोग के लिए सिलेक्ट करता हूं तो मैं डेफिनेटली सिलेक्ट करूंगा नॉर्ड C2 लाइट, बहुत ही बड़ी ऑप्शन पे अवेलेबल है गैलेक्सी M34 5G, 17,000 पे इससे बेटर फोन और पॉसिबल नहीं। उसके अलावा 6,700 पे टेक्नो स्पार्क 90 फुल HD प्लस वाला स्मार्टफोन, उसके बाद 10,000 के अंदर 5G स्मार्टफोन मतलब लाभा ब्लेज 5G, उसके अलावा आईको नियो 7 26,000 पे इससे बेटर ऑलराउंड गेमिंग फोन और पॉसिबल नहीं, और रेडमी K50i 19,500 रुपए पे। वैसे सभी से भी स्मार्टफोन का बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको इसमें से कोई फोन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।